टेरेन मॉडलिंग की बात कर रहे हैं आज, टेरेन मॉडलिंग में बेसिक्स देखेंगे। देखिए टेरेन जो होता है यानी कि आप जो भी अपनी आंखों से नेचुरली देखते हैं उसे हम टेरेन कहते हैं। मोस्टली इसमें वो आते हैं जिसमें एलिवेशन एरिया होते हैं, जैसे पहाड़ है और कोई नीचे का एरिया है जैसे पीक्स एंड वैलीज होती हैं, उनके बारे में बात होगी। तो टेरेन मॉडलिंग मतलब ये होता है कि जो आपको नॉर्मली दिख रहा है उसको किस तरीके से मॉडल किया जाए, हाउ कैन यू मॉडल इट, और उससे क्या क्या चीजें निकाली जाए, रियल लाइफ में इसका क्या यूज है, उसे हम टेरेन मॉडलिंग में देखेंगे। तो इसमें हम डीएम की बात करेंगे, हम डीएसएम की बात करेंगे, हम डीटीएम की बात करेंगे, इनके सोर्सेज देखेंगे अलग अलग कहाँ से आते हैं और इनसे क्या प्रोडक्ट निकल सकते हैं, इनको यूज करके हम क्या क्या प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि हमको थर्ड डायमेंशन डालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको एक्स वाई लोकेशन दे सकता है लेकिन इसकी हाइट कैसे पता चलेगी, उसके लिए आपको थर्ड डायमेंशन डालना पड़ेगा यानी कि जेड एक्सिस पे। यहाँ पर अगर पता करेंगे तो आपको एक्जैक्टली लोकेशन पता चलेगी कि आप ये पॉइंट कहाँ पर है। आपको आपकी आंखों से देखिए, आपकी दो आंखें होती है उससे आप हाइट परसेप्शन लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास केवल एक इमेज है तो उसमें आप हाइट परसेप्शन नहीं ले सकते। लेकिन अगर रियल लाइफ आपको सिनेरियो चाहिए तो आप जैसा देखते हैं, आप तो 3D देखते हैं, आपको 3D चाहिए तो 3D अगर आपको दिखाया जाए तो आप बोलेंगे हाँ ये रियलिस्टिक है, 2D दिखाएंगे तो आपको उतना आनंद नहीं आएगा उसमें। तो अगर आपको जीआईएस या रिमोट सेंसिंग या जितने भी जियो स्पेशल साइंसेज है इसमें अगर आप देखें तो थर्ड डायमेंशन की बहुत आवश्यकता रहती है ताकि रियलिस्टिकली आप बता सकें, क्योंकि सारा काम तो आपके इमेजेस पे होता है, सैटेलाइट इमेज पे होता है, एरियल इमेज पे होता है, लेकिन उससे अगर ऊपर उठने की बात करेंगे उस इमेज को किसी तरीके से हम 3D रिप्रेजेंट कर सकें तो वो आपका टेरेन मॉडलिंग में आता है। तो जो हाई रिलीफ एरियाज हैं जैसे ऑल्टीट्यूड एरियाज के जो वेरिएबल्स हैं बनिस्बत के, कि आप ये देखें कि हम क्या क्या वेरिएबल्स से इन हाई रिलीफ या टेरेन को मॉडल कर सकते हैं, उसमें आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें ऑल्टीट्यूड है, एस्पेक्ट है, स्लोप है, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं आपको और आपके फिजिकल एनवायरनमेंट को। एक 3D डेटा मॉडल इसीलिए ज़रूरी है। हम DTM यूज़ करते हैं, DSM यूज़ करते हैं, DEM यूज़ करते हैं, और डिराइव क्या करते हैं इनसे, जो मैंने तीन नाम लिए उनसे हम निकालते हैं हाइट, हाइट तो मिलती है, हाइट उसमें एस्पेक्ट है, स्लोप है, वाटर शेड्स है। चाहे आप हाइड्रोलॉजी वाले हो, हाइड्रोलॉजी वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप हाइड्रोलॉजी वाले हो, चाहे आप एग्रीकल्चर वाले हो, चाहे आप अर्बन वाले हो, कोई भी साइंस से आप रिलेटेड हो, मैंने मतलब यू नो दिस लिस्ट गोज ऑन, हर जगह आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। चाहे आप सोलर रेडिएशन देखना चाह रहे हैं कहाँ पर आ रही है, हिल शेडिंग कहाँ शेड मिलेगी, कॉटन फील्ड यानी कि आपके पास कोई DM मिल गया, यहाँ पर DM है नहीं या जगह नहीं है तो उसको कैसे फिल करेंगे, हिल शेडिंग, व्यू शेडिंग, इन सब के लिए आपको थर्ड डायमेंशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल ये डेटा फाइल्स है जिसमें आपको एलिवेशन वैल्यू मिलेगी, एलिवेशन टेरेन की आपको एलिवेशन मिलेगी और स्पेसिफाइड एरिया में, और रेगुलरली ये डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और जो इंटरवल है इनके बीच में, इन ग्रिड पॉइंट्स के बीच में, वो किसी ना किसी तरीके से, बेसिकली ये ग्रिड भी आपका किसी ना किसी तरीके से रेफरेंस्ड होगा आपके GCS के तौर पर, आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होंगे वहाँ पे, UTM होगा या और सारे प्रोजेक्शन पे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोजेक्शन या जो CRS कहते हैं हम, रेफरेंसिंग स्कीम है, वो आपकी ज़रूर होगी। जितना ग्रिड्स आपके आसपास होंगे उतना बढ़िया है, उतना अच्छे आपको रिजल्ट या मॉडलिंग मिलेगी। जितने दूर होंगे ठीक है, कई कामों के लिए वो अच्छा होगा, लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा है यानी कि आपकी ग्रिड डिफरेंस ज़्यादा है तो आपको थोड़ा कम उसमें वो मिलेगी एक्यूरेसी तो नहीं कहूँगा, यानी उसको मॉडल करना थोड़ा सा मॉडलिंग में ही आपको दिख जाएगा, मैं आपको उसका डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल ये एलिवेशन दिखाते हैं ग्रिड पॉइंट्स पे, और इसमें आपको पीक है, वैलीज है, ये सब सारी दिखेगी, और ये जो DM है इसमें आपको सिविल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जैसे रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये आपको नहीं मिलेगी, और ये कोई स्कैन मैप नहीं है, ध्यान दीजिएगा। डिजिटल एलिवेशन आपकी रास्टर इमेजेस से, वेक्टर प्रोफाइल से अलग होता है। डिजिटल एलिवेशन मॉडल में कोई ये ना तो आपका स्कैन मैप होता है, इमेज होती है, ना ये बिट मैप होता है, और ये कोई एलिवेशन कंटूर भी नहीं देखते आप। अगर आप मैप देखते होंगे तो उसमें आपको ऐसी लाइनें दिखती हैं, ये करके इन्हें कंटूर्स कहते हैं, ये सारी जो लाइन्स होती हैं ये इक्वल एलिवेशन वाली लाइन होती है, तो आपको कंटूर एलिवेशन भी नहीं मिलेगा, आपको एलिवेशन वैल्यूज मिलेगी ग्रिड पॉइंट्स में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये होता कैसे, तो उसके लिए मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा अभी, उसमें एक एक करके समझाऊंगा कि किस तरीके से DM दिखता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आप बोलेंगे, कई लोग इस पर डिस्कशन करते हैं कि DM है, DTM है, DSM है, तो क्या है ये सारी चीज़ें, क्या ये एक है, क्या ये अलग है? तो ये हम अभी फौरी तौर पर हम यही मानेंगे कि ये तीनों एक है, सारे के सारे जो है एलिवेशन दिखाते हैं। कोई आपको बिल्कुल बेयर अर्थ का एलिवेशन दिखाएगा, कोई ये भी बता देगा कि बिल्डिंग है, पेड़ है, उन सब का भी दिखा देगा। तो डिजिटल टेरेन मॉडल उनको दिखाएगा बेयर अर्थ को, सरफेस मॉडल आपका इसके ऊपर जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका सरफेस है, चाहे उसमें मैनमेड हो, चाहे नॉन मैनमेड हो, चाहे
नेचुरल आपके पास जो एनवायरमेंट है वो है, वो ये सारे जो शब्द है वो थोड़ा सा वेरिएट करते हैं आपस में। तो डिजिटल एलिवेशन, इसका अगर डेफिनेशन लें तो ये सेट ऑफ रेगुलरली या इरेगुलरली स्पेस्ड हाइट वैल्यूज है, इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जबकि डीटीएम की बात करें तो ये भी सेट ऑफ रेगुलरली या इरेगुलरली स्पेस्ड हाइट वैल्यूज है जो अभी आप देखने वाले हैं। इसके अलावा टेरेन की सर्फेस की इन्फॉर्मेशन भी होती है, जैसे रिज लाइन्स हैं, स्पॉट लाइन्स हाइट्स हैं, ट्रॉप्स हैं, कोस्ट या शो लाइन्स हैं, ड्रेनेज लाइन्स हैं, फॉल्ट है, पीक्स हैं, पिट्स हैं, पासेस हैं, ये सारी आपको डीटीएम में मिलेंगे। अब डीएम में देखिए ये दिखता कैसे, जो इतनी बार हमने बात की है पिछले कुछ समय में, वो उसको मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये आपका डिजिटल एलिवेशन मॉडल है, यानी कि एक ग्रिड है, आप इसको इस तरीके से मान लीजिए, एक मैट्रिक्स है, वैसे 2D मैट्रिक्स है, ये 2D मैट्रिक्स है, जिस मैट्रिक्स में हर एक डब्बे में या फिर हर एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे एक एलिवेशन वैल्यू रखी हुई है। ये एलिवेशन यानी कि एलिवेशन वैल्यू है ये, या आप इसको हाइट वैल्यू भी कह सकते हैं, या आप इसको ऑल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। ये सारी तीनों चीज़ें यहाँ पर एक ही चीज़ है, ऑल्टीट्यूड है। और अब आप इसको और देखेंगे ये आप कैसे वेरिएट होती है, इनके डिफिनेशन देखते हैं। तो सेल डिफिनेशन की बात करेंगे तो एक ये इस भाग को मैं ब्लो अप करता हूँ, यानी कि आपको दिखाता हूँ बड़ा करके। तो एक सेल साइज है और ये सेल साइज दोनों ही, ये दोनों सेम रहेंगे। सेल की वैल्यू है आप 50 देख रहे हैं, हाइट 50 है, और जो साइज ऑफ सेल है वो आपकी मीटर्स में हो सकता है, फीट में हो सकता है, डिग्री में हो सकता है, आर्क सेकंड में होता है। एक आर्क सेकंड करीबन 30 मीटर के बराबर होता है। तो डेटा सोर्सेज की बात करेंगे, अब डीएम की बात होगी, आता कहाँ से है, मिलता कहाँ से है, जनरेट कहाँ से होता है, तो उसके बहुत सारे सोर्सेज है। देखिए प्राइमरी डेटा सोर्सेज आपका एक मिशन था जिसे हम SRTM कहते हैं, शटल रडार टोपोग्राफी मिशन, 10-12 दिन के लिए ऊपर उड़ा था पूरे ग्लोब में, और इससे इन्होंने क्या किया कि पूरे ग्लोब का एलिवेशन निकालने की कोशिश की। तो आपको पूरे अर्थ का एलिवेशन मिल गया केवल इन पोल्स को छोड़ के। तो SRTM जो है वो शटल रडार टोपोग्राफी मिशन है, इसमें आपको इन पार्ट को छोड़ के करीबन 70% कवरेज मिल रहा है पूरे ग्लोब का। इसके अलावा आप जो एग्जिस्टिंग मैप है, 1:24,000 स्केल मैप है, NED के आपके पास 1 arc second के मैप्स हैं, 100 मीटर के आपके 1:250,000 मैप्स हैं, एक और 30 arc second का ये है गोटोपो 30 यहाँ 30 बता रहा है, ये जो 30 है ये पूरा का पूरा अर्थ। अगर आप गोटोपो 30 अगर अपने सर्च इंजन पर टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पूरा एक डिजिटल एलिवेशन मिल जाएगा पूरे ग्लोब का। अब स्पेस शटल की जहाँ तक बात हुई SRTM, इसके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप डीएम के बारे में बात करें तो आपसे SRTM, एस्टर ये सब जरूर पूछा जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इससे पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको एस्टर बताता हूँ। तो ये 1 arc second एलिवेशन डेटा अवेलेबल है, और 3 arc second जो है वो ग्लोब के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए 1 arc second यानी 30 मीटर तक है, 15 मीटर तक भी है, और 3 arc second यानी 90 मीटर में आपको पूरे ग्लोब का, जैसे अगर आप US में नहीं रह रहे तो बाकी जगह में रह रहे हैं तो आपको 90 मीटर का मिलेगा। और ये रडार मेजरमेंट के थ्रू लिया गया था, शटल मिशन 11 से 22 करीबन 11-12 दिन के लिए ये इसने उड़ान भरी थी। अगर आप देखिए ये जो एंटीना है ना, इसी में सारा बताता हूँ अभी आपको इसके बारे में, यहीं से सारी ये एलिवेशन वैल्यूज बनाई गई। तो ये आपका टोपोग्राफी मिशन था, ये मेन एंटीना था, ये आपका आउटबोर्ड एंटीना था, तो इनके बीच में एक डिफरेंस था, और यहाँ से इमेजिंग की गई थी। तो जो रिफ्लेक्टेड रडार सिग्नल है वो दो एंटीनास में लिए गए थे, तो आपको दो सेट ऑफ रडार सिग्नल मिल रहे थे सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, और यही हमें चाहिए। जैसे ये देखिए SRTM द्वारा दिया गया एक डीएम, कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना एलिगेंट डीएम है ये, और साथ में इसके ऊपर जो इमेज है, ये सैटेलाइट इमेज है शायद, जिसको ड्रेप किया गया है, ये मेरे ख्याल से एक पार्ट है उसका, जो हम ब्लू मार्बल इमेज जानते हैं, ब्लू मार्बल इमेज से आया है। अब इंटरफेरोमेट्री यूज हुई थी, जैसे आप देखें यहाँ पर एक एंटीना है, यहाँ पर एक एंटीना है, तो इंटरफेरोमेट्री मतलब दो इमेज आपने ली वेंटेज पॉइंट से किसी सेम एरिया की, ये सेम एरिया है, इसने भी ले ली, इसने भी ले ली, लेकिन अब डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ने अलग अलग जगह से ली है। तो साइंटिस्ट या फिर हम लोग इससे आराम से पता लगा सकते हैं कि इसकी हाइट क्या रहेगी जिस पॉइंट की इसने इमेजिंग की है। तो इसके अलावा USGS टोपोग्राफिक मैप है, ये सेकेंडरी डेटा सोर्स जनरेशन है डीएम का। इससे पहले मैं एस्टर की जरूर बात करना चाहूँगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको 30 मीटर रेजोल्यूशन का डेटा दे रहा है पूरे ग्लोब के लिए, मतलब 99% कवरेज है इसकी। आप ग्लोब देखें ना तो इसकी 99 मतलब आपको पोलर रीजन का भी कवरेज है। तो एस्टर ये है एडवांस स्पेस बॉर्न थर्मल एमिशन रेडियोमीटर है। तो एस्टर के थ्रू आप जो डेटा लिया गया था, अब इसमें क्या है, ये इसमें सार नहीं था इसका, ये सिंपल इमेजेस इमेजिंग की गई थी, लेकिन जो इमेजिंग की थी उसमें
ये जो जैसे हम आंखों से देखते हैं और आंखों से हम 3D परसेप्शन लेते हैं, बिल्कुल वही तरीका अपनाया गया था इसमें। और इसकी 3D जो जनरेट हुई है वो आपने स्टीरियोस्कोपिक इमेज से की है, स्टीरियो पेयर से की है, स्टीरियो पेयर। तो अभी देखते हैं आपके, देखिए अगर आप ये एक आपके पास कंटूर है, अगर इसके आप ये 200 मीटर मैश दिख रहे हैं, यहाँ पर इसको रखते हैं कॉर्डिनेट्स है, तो आपको 100 मीटर पर 100 मीटर इसको ब्लो करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर आप अगर एक सॉफ्टवेयर का कोई भी एक, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है हमारे पास, कोई एक सॉफ्टवेयर का अगर हम एक स्नैपशॉट लें, तो एक पर्टिकुलर एरिया में अगर हम ग्रिड बना रहे हैं, जैसे हम 30 मीटर मैश ले लें, देखिए अलग अलग आपके डब्बे बने हुए और ये 1:24,000 स्केल में आता है। इसमें आप ये लेटेस्ट पॉइंट निकालिए, हर एक पॉइंट का लेटेस्ट पॉइंट, जो लाल लाल आपको बिंदु दिख रहे हैं इस तरीके से, वो सारे लेटेस्ट पॉइंट्स हैं। ये लेटेस्ट पॉइंट्स जो है आपको ये सेल्स बना देंगे जो एलिवेशन स्टोर करेंगे हर एक लेटेस्ट पॉइंट पे, जिस तरीके से डीएम बनता है। तो अल्टीमेटली आपका ये वैल्यूज आ गई आपकी एलिवेशन वैल्यू, और ये सारे कंटूर्स हैं। कंटूर्स क्या होते हैं, वो लाइन जिसके हर एक पॉइंट पे एलिवेशन सेम होता है। तो इस तरीके से हम जो यूएसजीएस के मैप्स हैं उनके थ्रू भी आप एलिवेशन निकाल सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि अगर आपका 30 मीटर है, यानी कि एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड का जो दूरी है, या अगर आप कह रहे हैं कि मेरा 30 मीटर रेजोल्यूशन है डीएम का, हर एक 30-30 मीटर पर मैंने हाइट वैल्यूज ली हुई है, तो आपको इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं हर एक 100 मीटर पर मैंने हाइट ली हुई है, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये ज़्यादा बेहतर है। ऑर्डिनेंस सर्वे की बात करें तो उसमें एक लैंडफॉर्म पैनोरामा है, एक लैंडफॉर्म प्रोफाइल है, जिसका सोर्स स्केल था 1:50,000 था, लैंडफॉर्म प्रोफाइल का और अच्छा था 1:10,000 था, रेजोल्यूशन इसका 50 मीटर था, इसका रेजोल्यूशन 10 मीटर था, वर्टिकल एक्यूरेसी इसकी +-3 मीटर, इसकी +-0.3 मीटर। तो कंपेरिजन देखिए, ये लैंडफॉर्म पैनोरामा, इसमें आपको डब्बे डब्बे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको डीएम तो मिल ही रहा है, लेकिन लैंडफॉर्म प्रोफाइल में देखिए कितना बेहतरीन, कितना सुंदर, कितना एक स्मूथ तरीका है एलिवेशन को पाने का। ये लिडार, आजकल तो हर चीज लिडार से है, बल्कि आपकी ऊबर और ये जो कैब्स हैं ये भी लिडार यूज करने लगी। तो लिडार एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे आप दूरी का पता करते हैं, हाइट का पता करते हैं। आप यहाँ से ऊपर से आप ये बेसिकली लाइट डिटेक्शन रेंजिंग है, ऊपर से आप लेजर भेजते हैं और उसके बाद ये वापस आती है। तो जितना समय इसमें जाने आने में लिया उसका हम समय निकालते हैं, तो किस समय इतना टाइम लगता है, कभी इतना समय लगा, कभी इतनी दूरी पे गया, कभी इतनी दूरी पे गया। तो फिर ये जो प्रोफाइल है ना, ये देखिए ये जो प्रोफाइल बन रही है, ये आपको बढ़िया सा डीएम दे सकती है। हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन इसका 2 मीटर, 2 मीटर बहुत अच्छा, कहाँ 30 मीटर और को भी अच्छा कह रहे हैं, यहाँ पर 2 मीटर है। वर्टिकल एक्यूरेसी तो बहुत ही शानदार है, 2 सेंटीमीटर +-2 सेंटीमीटर, इससे बेहतर क्या होगा, इसलिए लिडार। लेकिन डेटा बहुत जनरेट होता है इससे। अब मॉडलिंग, अब उस पर आते हैं हम, मॉडलिंग बिल्डिंग या टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इनको कैसे मॉडल करेंगे। तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल है, इसमें हम क्या करते हैं कि ये वेट किस पे बेस्ड है। अगर आप मॉडलिंग करना चाह रहे हैं किसी चीज़ की, तो उसको उसके दो तरीके हैं, डीएम से कर सकते हैं, टीम के थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि अब क्या है, आपको हाइट पॉइंट्स मिल गए, आप उसको मॉडल करना है, अब उसको 3D मॉडल के रूप में दिखाना है। तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल आप डेटा सैंपल, क्योंकि ये रेगुलर ग्रिड लैटिस पॉइंट से आपने वैल्यूज ली है, ऐसी ट्रायंगुलर इरेगुलर नेटवर्क भी है, टीम जिसे हम कहते हैं, वो उसका मतलब ये है, ये इरेगुलर सैंपल डेटा है जिसमें हम डिलोने ट्रायंगल का यूज करते हैं। डिलोने ट्रायंगल कुछ नहीं है, ऐसे जो ट्रायंगल्स बनते हैं इसमें जो आप स्फीयर बनाएंगे आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, बस ये है इसका जो मेन मुद्दा है। अब डीएम और टिन, टिन के बारे में बता दो, डीएम के बारे में तो आपने देखिए, टिन का मतलब होता है कि हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल से, मतलब मॉडल करते हैं ट्राइंगल से, हर एक ट्राइंगल जो होता है वो इक्वल एलिवेशन होता है। ये देखिए आपका सैंपल पॉइंट के थ्रू है, डीएम के थ्रू मॉडल कर रहे हैं, इसको हम मॉडल कर रहे हैं इन टिन के थ्रू, ये टिन है ना, मतलब ये ट्राइंगल्स है आपस में कनेक्टेड है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज डीएम का, टिन का देखें, तो डीएम के एडवांटेज में ये है कि डायरेक्ट ये डिजिटल ऑल्टीट्यूड मैट्रिक्स से डेटा ले लेता है, मतलब उस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, और अगर डेटा इरेगुलर है तो आपको सैंपल करना पड़ेगा। जो कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफिक फीचर है जो आपको टेरेन पे मिलते हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे इसमें। इसमें रिडंडेंट डेटा भी आ सकता है, जो लो रिलीफ एरियाज है उसमें उसके रिडंडेंट डेटा, यानी कि जो सरप्लस डेटा है वो भी आपको मिलेगा इसमें। कॉम्प्लेक्स तो कम है लेकिन सीपीयू इंटेंसिव है। टिन्स के बारे में बात करें तो ये रैंडमली स्पेस्ड डेटा लेता है, आपको रीसैम्पलिंग करने की जरूरत नहीं है, और जो फीचर्स है जैसे कॉन्टूर्स, ब्रेक लाइन्स, रिजेस एंड ड्रॉप्स, ये बहुत अच्छे से दिखाता है, और ये पॉइंट फीचर जैसे स्पॉट हाइट्स है, पीक्स है, उनको भी बहुत अच्छे से दिखाता है। जैसे टेरेन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी या घटेगी उस हिसाब से डेंसिटी इसकी कम या बड़ी, कम या ज्यादा होगी। डिजाइन वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं, अब डीएम और डीटीएम और डीएसएम से क्या क्या मिल सकता है। इसे तीन चीजें मिलेंगी, वैसे तीन चीजें क्या, इसमें बहुत सारी चीज मिलेंगी, तीन मेन जो चीजें मिलेंगी बता रहा हूँ। हाइट तो ऑल्टीट्यूड तो आपको मिल रहा है, डेटा वो होता है, वो हम वेबसाइट जो चूज करते हैं पर्टिकुलर एक रीजन को उसके मैप करने के लिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए होता है, ई चाहिए होता है, मेजर एक्सेस, सेमी मेजर, सेमी माइनर चाहिए होता है, तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए होती है। हाइट है ऑल्टीट्यूड अबाउट द डेटा, और एस्पेक्ट है जो डायरेक्शन एरिया है ट्रेन को फेस कर रहा है, डायरेक्शन एरिया ऑफ द ट्रेन विच इज फेसिंग, और स्लोप है यानी ग्रेडियंट,
जो पानी की तरफ जाएगा स्लोप, तो स्लोप किस तरीके से निकालेंगे? स्लोप निकालने का तरीका ये है कि आप पहले समझ लीजिए, ये स्लोप दोबारा बताता हूँ, ये इंक्लिनेशन है लैंड सरफेस का, मेजर्ड इन डिग्रीज, डिग्रीज या परसेंट के हिसाब से ये मेजर होता है। 3x3 सेल फिल्टर है आपका, इसमें बेस्ट फिट टिल्टेड प्लेन, ये आपका प्लेन की इक्वेशन है, दैट जो मिनिमाइज करता है स्क्वायर डिफरेंस इन हाइट के बीच में ईच सेल के। तो ये प्लेन के हिसाब से देखा जाता है कि जो आपस में है ये आपके डिस्टेंसेज, मतलब सेल के जो हाइट के डिस्टेंसेज है उसको स्क्वायर मिनिमम स्क्वायर को देखते हैं इसमें। फिर स्लोप निकालते हैं सेंटर, जो सेंटर का है स्लोप बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से आता है, बी और सी आपने जो देखा जो प्लेन की इक्वेशन थी। इसी तरीके से अगर आप एस्पेक्ट निकालते हैं, एस्पेक्ट किस में आता है? नॉर्थ साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ साउथ साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से आते हैं ये सारे जो आप देख रहे हैं एस्पेक्ट है। इसमें भी हम एक फिल्टर एक ये 9 पॉइंट ले लेंगे, फिर इसमें भी बेस्ट फिट टिल्टेड प्लेन लेंगे, टिल्टेड प्लेन, और हम कोशिश करेंगे एस्पेक्ट को जाने की ये टारगेटेड सेल के लिए। एस्पेक्ट आता है टेन इनवर्स सी बाई बी, जो आपने प्लान लिया था ना ए प्लस बी एक्स प्लस सी वाई, तो ये जो प्लेन था ये टेन इनवर्स सी बाई बी से एस्पेक्ट आपको मिलेगा। और भी है इसमें जो डिराइव्ड वेरिएबल्स है, इसमें हिल शेडिंग है, प्रोफाइल है, प्लान कर्वेचर है, फीचर एक्सटेंशन है। अगर जैसे सागा सॉफ्टवेयर देखेंगे या क्वांटम जीआईएस देखेंगे तो आप देखेंगे ये सारे ऑप्शंस उसमें, मतलब जो ड्रॉप डाउन में आपको दिखेंगे, आप एक डीएम को लेके सारी चीजें निकाल सकते हैं। ये हाइट है, हाइट वैल्यूज दिख रही है, अगर इसका एस्पेक्ट निकालेंगे डीएम का तो ऐसा दिखेगा, स्लोप इस तरीके से दिखेगा, हिल शेडिंग कुछ इस तरीके से आएगी। हिल शेडिंग मतलब कौन सा, अगर कोई डायरेक्शन से सनलाइट आ रही है तो कौन कौन सी जगह आपकी लाइट नहीं पहुंचेगी, शेडिंग कहाँ होगी। ये प्लान कर्वेचर है, ये फीचर एक्सट्रैक्शन है। जो डीएम के साथ प्रॉब्लम है वो भी तो कुछ है, तो उसको भी जानना जरूरी है। एक तो क्वालिटी, जब जनरेट किया तो उसकी क्वालिटी क्या है, इंटरपोलेशन टेक्निक क्या अपनाई आपने। तो अब और भी एरर्स आते हैं इसमें, जैसे स्लोपिंग लेक्स है, आपको ऐसा है कि रिवर्स आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे, लोकल मिनिमा एरर है, स्टेप्ड अपीयरेंस है, जो जैगी इसमें बताया था एलियासिंग वाला, तो ये सब चार प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। आप इसको कई जगह उपयोग कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन के लिए, टेरेन और 3D सर्वेस के लिए, विजिबिलिटी एनालिसिस जैसे इंटर विजिबिलिटी मैट्रिसेस और व्यू शीट्स, हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग के लिए कैचमेंट एरिया देख सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं, फ्लो मॉडल कर सकते हैं, पानी कहाँ बहेगा, पानी कहाँ से ऊपर जाएगा, इंजीनियरिंग है, कट एंड फिल कर सकते हैं, प्रोफाइल देख सकते हैं, टेरेन विजुअलाइजेशन कर सकते हैं जिसमें आप एनालिटिकल हिल शेडिंग कर सकते हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यूज देख सकते हैं जैसे कोई भी अजीमुथ अल्टीट्यूड या व्यू डिस्टेंस पॉइंट को देख सकते हैं, सरफेस ड्रेप्स कर सकते हैं जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि ब्लू मार्बल इमेज आप किस तरीके से पॉइंट लाइन एरिया डेटा आप डीएम पर डाल सकते हैं, एनिमेटेड फ्लाई थ्रू जैसे हवाई जहाज किस तरीके से मूव करेगा और नीचे आपको टेरेन दिख रहा है, तो एक सिमुलेशन एक प्रॉपर एक आपका फ्लाई थ्रू बन जाएगा। तो ये हमने बात की आज डीएम डीएसएम डीटीएम कैसे बनता है, कहाँ से आता है और क्या क्या उसके उपयोग हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया बताने वाले आप सभी की।